दोस्तों आज हम कवर करेंगे वर्ष 2019 और 18 के सभी तूफान एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं 2019 में आने वाले सभी तूफानों की। वायु कहाँ पे आया? गुजरात में। कब? जून 2019 में। याद कैसे रखेंगे? अब देखिए, जो वायु है, हवा है, उसे कोई कैद नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, वो गुजर जाती है। गुजरात, वायु आई और गुजर गई। गुजरात, कोई कैद नहीं कर सकता ना वायु को, तो वायु आती है और गुजर जाती, यानी कि गुजरात। नेक्स्ट, डोरियन जिसने बहामास को बुरी तरह से प्रभावित किया, कब? सितंबर 2019 में। देखिए, डोरियन तूफान ने दक्षिणी बहामास को बुरी तरह से प्रभावित किया था, याद कैसे रखेंगे? अब देखिए, बहामास का हो जाएगा बदमाश, बहामास बदमाश। अब कोई बदमाश है तो उसे डोरियन, स्टार्टिंग में आ गया ना डोरी, भाई डोरी से बांध के रखो, रस्सी से बांध के रखो। क्यों? क्योंकि वो बदमाश है, कभी भी बदमाशी कर सकता है, उसे डोरियन, डोरी से बांध के रखो। नेक्स्ट, हागिबिस तूफान जिसने जापान को प्रभावित किया, कब? अक्टूबर 2019 में। अब जापान का हो जाएगा पान। अब बंदा शॉपकीपर से पूछ रहा है कि भैया पान है क्या? हागिबिस, हाँ है, 20 रुपए का। बंदे ने बोला हाँ है 20 रुपए का, यानी कि हागिबिस, हाँ है 20 रुपए का, ले लो भैया। तो हागिबिस तूफान ने प्रभावित किया जापान को, याद रखना मेरे भाई, पान 20 रुपए का है बस। नेक्स्ट, करोसा तूफान इसने जापान को प्रभावित किया अगस्त 2019 में। अब जापान को हम फिर से पान से रिलेट करेंगे। अब बंदा पान खाता है, दिन रात पूरा दिन पान खाता रहता है, तो उसके डैडी ने उसको बोल दिया, बेटा तू पान खाने की सारी हदें क्रोसा क्रॉस कर चुका है और मेरी भी हद क्रॉस हो चुकी है। अगर आज के बाद पान खाया ना तो दे दनादन, दे दनादन, तू पान खाने की सारी हदें क्रॉस कर चुका है, यानी कि क्रोसा तूफान आया जापान। नेक्स्ट, फोनी तूफान उड़ीसा में आया, कब? मई 2019 में। अब फोनी का हो जाएगा फोन। अब भाई किसी को नया फोन मिलता है, कोई नया फोन खरीदता है, तो वो 4-5 दिन उड़ता ही रहता है, उड़ान भरता रहता है, अरे मेरे पास फोन है, यानी कि उड़ीसा। अब कोई बंदा नया फोन खरीदता है, यानी कि फोनी, तो वो उड़ता रहता है, देखो मेरे पास नया फोन है, एंड्रॉयड फोन है। देखिए दोस्तों, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाएगा कि ये तूफान किस देश से संबंधित है या किस राज्य से संबंधित है, वही हम याद कर रहे हैं। नेक्स्ट, तितली तूफान उड़ीसा में आया अक्टूबर 2018 में, बिल्कुल ईजी है, उड़ीसा का हो जाएगा उड़ना, और तितली तो भाई उड़ेगी, तितली उड़ी बस में चढ़ी, तितली उड़ेगी, यानी कि उड़ीसा। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना मेरे भाई, भूल मत जाइयो। नेक्स्ट, गाजा तूफान तमिलनाडु में आया 2018 में। अब गाजा का हो जाएगा गाजा बाजा, बंदा बोलता रहा भाई गाजा बाजा लेके आना तमिलनाडु, तुम मिलने आना, क्या लेके? गाजा बाजा, गाजे बाजे से आना तुम मिलने मुझसे, तो गाजा हो गया तमिलनाडु। नेक्स्ट, बिल्कुल इजी, माइकल तूफान किसको प्रभावित किया? अमेरिका को अक्टूबर 2018 में। अब भाई माइकल का हो गया माइकल जैक्सन, डांसर थे ना माइकल जैक्सन, कहाँ से थे वो? अमेरिका से थे, आप सभी जानते होंगे माइकल जैक्सन को, उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो अमेरिका से थे। नेक्स्ट, रिले तूफान अमेरिका को प्रभावित किया मार्च 2018 में। अब रिले का हो गया रिलेटिव, रिले रिलेटिव कहाँ रहते हैं? अमेरिका में। बंदा कह रहा भाई मेरे रिलेटिव अमेरिका में रहते हैं, मेरे रिलेटिव अमेरिका में रहते हैं। नेक्स्ट, केनी तूफान फिजी में आया अप्रैल 2018 में। अब केनी का हो गया कैन, केनी कहाँ रखो? फिजी फ्रिज, भाई केनी को, कैन को फ्रिज में रख दो ताकि वो चिल्ड हो जाए। और भाई कैन किसी की भी हो सकती है, कोल्ड ड्रिंक की भी कैन होती है, वाटर की भी कैन होती है, और मिल्क की भी कैन होती है, और जो आप सोच रहे हो बियर की भी कैन होती है, लेकिन भाई बियर पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट, एपिल टाइफून जिसने चीन को प्रभावित किया 2018 में। अब एपिल का हो जाएगा एप्पल, एप्पल के फोन आईफोन किसने पीट दिए? चीन, चाइनीज फोन ने भाई एप्पल के फोन बुरी तरह से पीट दिए। जो एप्पल के फोन 70-70 हजार में आते हैं, वही फोन चाइनीज 10-10 हजार में आते हैं। मतलब ये है कि चाइनीज फोनों ने एप्पल को पीट दिया, यानी कि एपिल टाइफून चाइना। नेक्स्ट,
नोरा ने प्रभावित किया ऑस्ट्रेलिया को मार्च 2018 में। अब नोरा का हो जाएगा छोरा, नोरा छोरा, और ऑस्ट्रेलिया का ट्रेलिया, छोरा ट्रेलिया। दादी जी कह रही है ओ छोरा ट्रेलिया रे छोरा। तो नोरा ने प्रभावित किया ऑस्ट्रेलिया को, नोरा ओ छोरा ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट केल्विन, इसने भी ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया मार्च 2018 में। अब केल्विन का हो जाएगा केवल विन, केवल विजेता कौन होगा, जो लास्ट तक आस रखेगा, उम्मीद रखेगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। भाई केल्विन केवल विन, केवल विनर कौन होगा, जो लास्ट तक आस रखेगा, उम्मीद रखेगा, मरते दम तक लड़ता रहेगा, वही विन होगा, यानी कि केल्विन ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया। नेक्स्ट एलिनोर, ब्रिटेन को प्रभावित किया जनवरी 2018 में। अब ब्रिटेन का हो गया बेटा, ब्रिटेन बेटा, बेटे को इशारे ना, और यहां है एलिनोर, एले और माँ अपने बच्चे को क्या कह रही है, अपने बेटे को खाना खिला रही, और क्या कह रही है एलिनोर, एले और, एले और खा बेटा, एले और खा, यानी कि एलिनोर तगड़ा हो जा, पहलवान हो जा, एले और खा। भाई माँ की ममता ही ऐसी रहती है, बच्चे को खिलाती रहती है, एले और खा बेटा, एले और खा। नेक्स्ट मेकोनो, इसने यमन की खाड़ी को प्रभावित किया 2018 में। अब देखिए यमन का हो जाएगा अमन, सुख शांति चैन, यमन अमन, और यहां है मैकुनो, यानी कि मैकू। अब भाई हम पड़ोसी देश को बोलते हैं कि भाई आप अमन से रहो, चैन से रहो, सुख शांति से रहो, वो सीधे बोलते हैं मैकू, मैक्यू, मैकुनो, मैकू, मैकू रहो सुख शांति से, अमन मैं तो पंगे लूंगा। तो मैकुनो ने प्रभावित किया यमन की खाड़ी को। ओम मित्रा भाइयों बहनों, जी और जीने दो, अमन से रहो और अमन से रहने दो भाइयों बहनों। नमस्ते जी, मैं भी पड़ोसी देश से यही कहता हूँ जी, जीवो और जीने दो जी, अमन से रहो जी। नेक्स्ट सांबा, और सांबा ने प्रभावित किया फिलीपींस को अप्रैल 2018 में। अब सांबा से याद आता है सोले फिल्म वाला सांबा, कितने आदमी देखा लिया, सांबा जवाब देता है ना सरदार दो। तो भाई अगर आज की डेट में किसी को हम सांबा बुलाएंगे, ओ सांबा क्या हाल है, कैसे हो सांबा, तो वो फील करेगा फिलीपींस, वो फील करेगा कि यार मुझे क्यों सांबा बुला रहा है। तो भाई आज की डेट में किसी को सांबा बुलाएंगे तो वो फील करेगा, यानी कि फिलीपींस। अब बात करते हैं जापान में आने वाले तूफानों की। देखिए जापान ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा तूफान आते हैं। कौन कौन से तूफान आए हाल ही में जापान में, जेबी तूफान 2018 में आया, टॉमी तूफान 2018 में, तामिल तूफान, जोगदारी तूफान, क्रोसा तूफान 2019 में, हगीबिस तूफान 2019 में। अब इन्हें ट्रिक से कैसे याद करेंगे। अब देखिए जेबी का हो जाएगा जेब, पॉकेट के अंदर जापान, यानी कि पान मत रखो भाई, पान को कभी भी जेब के अंदर पॉकेट के अंदर मत रखो, आपकी पॉकेट खराब हो जाएगी। नेक्स्ट टॉमी, ये भी जापान में आया। अब टॉमी का हो जाएगा टॉफी, टॉमी टॉफी। अब भाई अगर जेब में कुछ रखना है ना तो बच्चों के लिए टॉफी लेके रखो, ना कि पान। तो भाई पान को जेब में मत रखो, मैं तो ये कहता हूं जेब के अंदर आप टॉफी रखो, ना कि पान। तो टॉमी तूफान जापान। नेक्स्ट तामिल तूफान, अब तामिल का हो जाएगा तमीज, तामिल सीख ले, कुछ तमीज सीख ले, पूरा दिन पान खाता रहता है। नेक्स्ट जोगदारी तूफान, इसने भी जापान को प्रभावित किया। अब भाई ये लोग ऐसे जितना मर्जी समझा लो, उन्हें करनी अपने मन की है, और पान वाले से जाकर क्या बोलते हैं, जोगदारी जोरदार, भाई जोरदार पान बना, पान वाले बाबू पान बना कैसा, जोगदार यानी कि जोरदार। नेक्स्ट है क्रोसा, ये भी जापान में आया था 2019 में, पीछे भी आपको कराया था। अब कई बंदे ना पान खाने की सारी हदें क्रॉस कर जाते हैं, क्रोसा वो क्रॉस कर जाते हैं सारी हदें, और फिर घर वालों से डंडे खाते हैं। तो भाई पान खाने की हदें क्रोसा क्रॉस मत करो। दोस्तों अगर इस टॉपिक का आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा, उसका प्रैक्टिस सेट भी हम आपको जल्द ही अवेलेबल करा देंगे। और नेक्स्ट है हगीबिस, ये भी जापान को प्रभावित किया 2019 में। अब जापान को हो गया पान, अब बंदा पूछ रहा भाई पान है, हाँ है 20 रुपए का, हगीबिस है जी 20 रुपए का, तो हगीबिस हो गया जापान। तो दोस्तों ये ट्रिक थी कुछ खट्टी कुछ मीठी, उम्मीद आपको इजीली याद हो गई होगी। तो भाई दे दीजिए अब इस प्यारे से सवाल का जवाब।
आपको क्वेश्चन मिलता है, निम्न में से किसे अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया 2019 का। इसकी आपको ट्रिक भी कराई थी, अर्थशास्त्र यानी कि आर्थिक स्थिति जिसकी ठीक होगी आगे। भाई तुम समझ गए होगे, तो सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और वीडियो बढ़िया लगी तो भाई लाइक और शेयर जरूर कर दियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।